जानक मैंने सबसे पहले आपको देखा था फॉर्मूला वन इंडिया में आया था मुझे याद है श्रीदेवी आ रही थी सामने से और आप दोनों बहनें साथ में थी मुझे लगता है इंडिया में फॉर्मूला पहले तो सबको नमस्कार मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ इतने लोग होंगे अभी पेट पे अचानक से गुड़ 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 अभी भी होता है हाँ आई थिंक शायद जेट लैग भी है मैं अभी सुबह ही लंदन से आई और अच्छा? थोड़ी सी डिसोरिएटेड हूँ और आई डोंट नो व्हाई मुझे जब उन्होंने टॉक बोला था मुझे लगा सिर्फ मैं और आप बैठ के बातचीत करेंगे अचानक से पूरे रूम में इतने सारे लोग हैं लेकिन हेलो और हमारा uh, मतलब एक एक वर्ड को समझने वाले और आपको पसंद करने वाले सारे लोग आई होप सो so. <laughs> कोशिश ज़रूर करूँगी एक काफ़ी लंबा आपका सफ़र बहुत लंबा नहीं पर काफ़ी लंबा अभी की फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से हम देखें आपके अलग अलग रोल्स देखें उन रोल्स को आपने जिस तरीके से जिया है फिल्मी पर्दे पर और आपके उस व्यक्तित्व के साथ आपकी माँ को अलग नहीं किया जा सकता है मैं इसी यही इंट्रोडक्शन आपका दे रही थी कि अपनी पहचान भी बनाना और उस विरासत को ज़िंदा भी रखना कितना मुश्किल है मतलब श्रीदेवी हम लोग उनकी एक एक अदाओं को देखते हुए उनकी एक सेकंड के अंदर तीस एक्सप्रेशन देने वाली अभिनेत्री न कोई थी न कोई हो सकती है इंटिमिडेटिंग ऐसी माँ की बेटी पर्दे पर आना पता है, मैं इनफैक्ट अभी फ्लाइट पे इस चीज़ के बारे में सोच रही थी और मैं एक्चुअली आप लोगों से पूछना चाहती हूँ आप लोगों को लगता है कि इस जमाने में श्रीदेवी कपूर जैसे कोई एक्ट्रेस है या हो सकती है कोई नहीं ना आई डोंट थिंक एनी वन केन डू वट शी डिड एनी वन इज़ एज वर्सिटाइल एज शी इज़ जिस लेवल पर वो ऑपरेट करती थी शायद ही कोई कर सकता है मुझे तो छोड़ ही दीजिए लेकिन इस ज़माने में कितने एक्ट्रेसेस रोज उनसे कंपेयर होते हैं उनका हर मूव उनका हर स्टेप उनका हर परफॉर्मेंस आई थिंक सिर्फ एक आई थिंक मी एंड मे बी नाउ माई सिस्टर और इनिशियली ये बात मतलब मैं बहुत प्रेशर लेती थी hmm. um, और बहुत नर्वस होती थी आई थिंक बहुत ओवरवर्कड हो जाती थी ये सब बैगेज लेकर बट फिर मैं समझने लगी कि मेरी तुलना मम्मा से हो रही है श्रीदेवी कपूर से हो रही है तो स्टैंडर्ड वो है एंड आई थिंक दैट ओनली स्टार्टेड मोटिवेटिंग मी एंड द थिंग इज़ दैट इनफैक्ट मम्मा ने मुझे ये बोला था कि मेरी पहली परफॉर्मेंस या मेरी पहली फिल्म उनकी पहली फिल्म या परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं होगी उनके लास्ट फिल्म से होगी और उन्होंने कहा था कि ये प्रेशर मैं मेरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहती एंड आई डेंट अंडरस्टैंड कि ये इतना भारी बैगेज होगा लेकिन जब भी मैंने मेरा डेब्यू किया था मुझे एहसास होने लगा था कि हाँ इट्स वेरी रियल बट लाइक आई सैट इट स्टार्ट मोटिवेटिंग मी इट फील्स आई आई एम रीचिंग फॉर द स्टार्स अगर मैं और पता है नेचुरल लाइफ में ज़िंदगी में माँ और बेटी के बीच में कभी तुलना कंपैरिजन, कंपेटिटिवनेस होती नहीं है यू डोंट कम्पीट विथ योर मॉम एंड आई डोंट थिंक एनी वन शुड इवन ट्राई इट्स अनफेयर टू कम्पेयर एनी एक्टर टू माई मदर आई थिंक तो मैं समझ गई कि मेरा मकसद उनके लेगेसी के साथ कम्पीट करना नहीं है बस उनको गर्व दिलाना है वही मेरा मकसद है कि मैं उनके नाम को रोशन करूं, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं और हाँ यही मेरा मकसद है और मैं मरते दम तक दिल लगा के जी जान लगा के कोशिश करती रहूंगी आपने सही कहा कि उनके साथ किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता और कोई चाहेगा भी नहीं कि ऐसा हो पर आपकी मेमोरीज में पहली श्रीदेवी फिल्म कौन सी है जो आपने देखी प्रॉब्बली अपनी मामा के साथ बैठ यू नो एक्चुअली ममा को खुद की फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं था शी स्ट हेटेड तो मैं चुप चुप के देखती थी लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी लेकर मैम अमर वॉचिंग चालबाज एज अड और uh, मंजू का किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो मस्ती कर रही थी सबको चकमा दे रही थी लेकिन अंजू का जो किरदार था जिस तरह से um, अनुपम खेर का जो किरदार है उस फिल्म में जिस तरह से वो मम्मा को सताते थे मैं सच में वो फिल्म नहीं देख पाती थी इंग्लिश विंग्लिश भी देख मुझे बहुत तकलीफ हुई थी क्योंकि उनकी बेटी जो थी फिल्म में सपना वो इतना परेशान करती थी मम्मा को तो मैं बहुत अंदर से गुस्सा हो जाती थी सो इट टुक मी अ टाइम इट टुक मी समाइम टू स्टार वॉचिंग हफ फिल्म आई थिंक आई स्टार्टेड विथ द ईजियर लाइटर फिल्म मिस्टर इंडिया ऑफकोर्स बट माई मोस्ट The strongest memory I have is of sadma uh i remember we saw sadma together aur सॉ film dekh और वो फिल्म देख के एक्चुअली मैं मम्मा से बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि फिल्म के एंड में I don't know if you all have seen the film uh वो कमल सर के किरदार को पहचानती नहीं है भूल जाती है दस पंद्रह बारह दिन उनके साथ रहने के बाद और मुझे ये देखकर इतना बुरा लगा कि मम्मा आप कैसे कमल सर को क्यों भूले सो आई डेंट स्पीक टू फॉर टू डेज आई वॉज वेरी शेकन आपके लिए फिल्में इतनी ज़्यादा रियल थी बहुत ऑनेस्टली मेरी परवरिश ही फिल्म सेट्स पे हुई है जब भी मैं मेरे माँ बाप के साथ हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे तो मूवीज़ देखते थे या पापा के शूट्स के लिए जाते थे हमारे बेड टाइम स्टोरीज़ मम्मा के शूट के किस्से होते थे सो इट्स इट्स ऑल आई नो मैंने एंड आई डोंट रिकमेंड दिस बट मैं फ़िल्मों के पीछे इतना पागल थी कि मैंने मेरे हिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ देख के प्रिपेयर किया एंड आई डोंट रेकमेंड दिस एट ऑल बट इट वॉज फाइन फॉर मी सो आई एम वेरी ऑबसेस्ड विथ पर कभी अकेले में ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा सा फिर आईने के सामने अपनी मम्मा का कोई डायलॉग बोल कर देखूँ कुछ मम्मा मम्मा का कोई डायलॉग नहीं क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मैंने जब मम्मा थी तो उनको खुद की फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं था ममा के गुजरने के बाद मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ होती थी आई डोंट थिंक आई वॉज़ रेडी कि मैं ऑब्जेक्टिवली एक uh, कलाकार होने के नाते उनके काम को स्टडी uh, कर पाऊँ जो कि आई थिंक हर एक्टर आज का हर एक्टर करता है स्पेशली uh, मामा के काम को लेकर लेकिन मैं नहीं कर पाई आई थिंक अभी जाकर जब मैं मेरी साउथ फिल्म की डेब्यू करने जा रही हूँ नाउ आई एम स्टार्टिंग टू फील रेडी कि मैं ऑब्जेक्टिवली उनके काम को स्टडी कर सकती हूँ मैंने उनके पुराने फिल्में देखना देखना शुरू किया है अभी सो so, या yeah, um, reciting any of her dialogue